मित्रों, यह श्लोक हमें सदपथ पर ले जाने वाला है, एक अच्छे कार्य के प्रति प्रेरित करने वाला है। श्लोक इस तरह से है, प्राणायथात्मनोभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधव। इसका अन्वय इस तरह से हम करेंगे, यथा आत्मनः प्राणः अभिष्टः तथा भूतानामपि ते अभिष्टाः, अतः साधवः आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति। इसका सरलार्थ इस प्रकार से है, जैसे किसी को अपने प्राण प्यारे होते हैं उसी प्रकार अन्य प्राणियों को भी। इसीलिए महापुरुष अपने समान जानकर दूसरे प्राणियों पर दया करते हैं। इस श्लोक का यह भाव है कि इस संसार में जितने भी प्राणधारी जीव हैं, उन सबको अपने प्राण प्यारे होते हैं। हर जीव सबसे पहले अपनी रक्षा करता है, फिर दूसरों का। इसका मतलब यह हुआ कि हर जीव जीना चाहता है। इसीलिए महापुरुष अपने समान जानकर दूसरे प्राणियों पर दया करते हैं। अहिंसा ही उनके जीवन का परम धर्म होता है। वे कभी भी दूसरों को मन, क्रम एवं वचन से आहत नहीं करते हैं। एक नए श्लोक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।